हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आपको। मैं आज आपको ले चलूँ बिहरा बाजार, जो असम में है, नॉर्थ ईस्ट में, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये रहा असम का मैप और ये रहा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का बिहरा बाजार, 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी। ऑलराइट, ये देखिए, ये हम जाते ही ये एंट्रेंस का है बिहरा बाजार। ये जो इसको जापी बोलते हैं, यस, हम अंदर ले चलो आपको। ये कपड़े का दुकान है, बहुत सस्ते सस्ते 50-60 रुपए का शर्ट भी मिलता है। यहाँ से जाके हमको ये जो एंट्रेंस का है, ढेर सारे काफ़ी लोगों का, सिर्फ सांदेक को बैठा है ये बाज़ार, और काफ़ी लोगों का, कम से कम हज़ार हज़ार लोगों का यहाँ आगमन होता है। ये दा कतारी बोलता है उसको, लोहे का मार्केट है। यस, ये लोहे का मार्केट है जी। ये देखिए, ये लोहे का मार्केट है। अब तो मैं ये मिठाई वगैरह का पैकिंग है, और ये जाते जाते ये मसाला वगैरह, मसाला, पारा मसाला, हल्दी और इस तरह का है। हाँ जी, यस, और जाते रहेंगे जाते रहेंगे, हमको ये ढेर सारे और सामान मिल जाएंगे देखने के लिए, जो इंडिया का दूसरे हिस्से में आपको देखने को शायद ना मिले। जाते जाते हमको ये, अभी मैं सवेरे जल्दी में आ गया इसलिए थोड़ा भीड़ कम है, मैं 9 बजे आ गया। ये जाल का मार्केट है, जो मछली पकड़ने को काम आता है ना जी। और ये उसको बोलते हैं, जो लाल कलर का देखा आपने, ये भूत जल किया है, भूत जल किया, भूत की तरह होता है, हरर चिल्ली, बहुत ही, एक बार मुंह में जाएंगे तो फिर आपका पता नहीं क्या होगा, बहुत ही तीखा है, बहुत ही स्पाइसी है भाई साहब। और ये हम अंदर तक चले जा रहे हैं, ये हल्दी का, ये धपात है, धपात ये तंबाकू है, तंबाकू का पत्ता है। और ये चप्पल वगैरह बेच रहे हैं लोकल जो औरतें हैं। यस, और जाते ये हम अंदर जाते और अंदर जाएंगे हम, काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई साहब, सिर्फ सांडे को बेचता है ये, होता है ये मार्केट। ओके, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, हज़ारों लोगों का यहाँ संडे को आगमन होता है। हर तरह का चीज़ मिलेंगे आपको यहाँ, गाय, भैंसा, जो बकरी, जो चिकन, मटन, मछली, क्या नहीं मिलता है यहाँ आपको। ये मसाला स्पाइसी वगैरह है, ये जो गुड़ है, गुड़ जो गन्ने का होता है ना, गन्ने से बनते हैं जी। ये देखिए, ये चूड़ियाँ वीड़ियाँ जो है, और ये देखिए, ये लाल कलर का आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सबसे स्पाइसीस्ट चिली इन द वर्ल्ड, इसको कसू बोलता है। ये हरी सब्जियाँ हैं, यस, ये तेज़पत्ता है, यस। और हम अगर जाते रहेंगे फिर ये चाय का पत्ती है, लोकल चाय का पत्ती, जो असम का सिटी आप नाम सुनते होंगे, सबसे बड़ा फेमस है यहाँ पूरा दुनिया में। और ये सूखी चिल्ली, ये गोल मिर्च नींबू है, ये ढेकिया पात बोलते हैं इसको, ढेकिया पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, देखा कि नहीं, लेकिन असम में होता है ये। ये गोल नींबू है, ये सूखी मिर्ची जी, इसको बोलते हैं वो टेंगा। ये देखिए बड़ा वाला, ये ओके, ढेर सारे चीज़ें यहाँ देखने के लिए। ये जो बंदा अपना हाथ से, ओके, इसको बोलते कसू, ओके जी जी जी, लहसुन वगैरह है, ये अनियन बेच रहा है कोई, ये धपात है, फिर से आप देख लीजिए धपात, काफ़ी साइड है उसका, ये चुना है। यस, और जाते जाते हम और जाएंगे आगे, अभी काफ़ी व्यापारी का आगमन नहीं हुआ यहाँ, बैठेंगे क्योंकि मैं जल्दी से आ गया यहाँ। ओके, कोई बात नहीं, हम आगे चले। नारियल है, लोकल नारियल, जो 20-25 रुपये का रुपये मिलता होगा। ओके जी, हम आगे चले। ये तामुल पान जो है यहाँ ट्रेडिशनल, अब हर घर में जाएंगे तामुल पान पहला आपको देंगे अगर खाते हैं तो, यस। फिर आगे जाएंगे हम, आगे जाके कभी, कम से कम बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ, बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है और आना चाहता है। काफ़ी लोगों का जमा बड़ा, गाड़ी वीड़ी बहुत, ये 37 नंबर हाईवे का बाजू में है ये, फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये मिर्ची देखिए भाई साहब, इसे बसते रहिए, बहुत ही तीखा है, बहुत ही स्पाइसी है, स्पाइसीस, मैं आपको कहा ना, स्पाइसीस्ट चिल्ली इन द वर्ल्ड, जिसका नाम ही रखा गया भूत, मतलब हॉरर मिर्ची है ये मटकी वगैरह है।
जी ये मटकी का मार्केट है, यहाँ सिर्फ आपको मटकी ही मिलेंगे। ओके, जाते रहूँ आगे में बढ़ता रहूँ, ये भगवान का ढेर सारे फोटो लगाया हुआ है बेचने के लिए होता है। ओके, यहाँ सब कुछ मिलेंगे आपको, अगर आगे आगे चलते रहिए। होता है कि चना बेच रहा है मैडम। ओके, एक जो दक्षिणी हिस्सा का आखिर आखिरी, ओके, ये सूखी मछली है, ये बंदा जो है सूखी मछली बेच रहा है। ओके, ये करेला है, ये नहीं, ये दूसरा करेला है, ये असम का करेला है। आपको दुनिया का कोई दूसरे हिस्से में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा असम के सिवा, मैं आपको इतना कह दूँ। यस, ये मतलब मुर्गी। ओके, देसी, ये जो कबूतर है। ओके, पिजियन। ओके, ये बॉयलर है मांस है मुर्गी का। यस, और आगे चलता रहूँ मैं, चलते चलते आगे बढ़िए। ये सूखी मछली मैडम बेच रही है जी। ओके, 200-300 रुपये का किलो होता है, काफ़ी महंगा होता है, लेकिन वो ऐसा वो मतलब उतना भी काफ़ी है। ओके जी, ये तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार के सूखी मछली सुखाया हुआ है, 600 रुपया तक होता है भाई साहब। हाँ, ये और महंगा, ये जो प्रॉन्स का सूखी मछली ये बहुत महंगी होती है यहाँ, करीबन 100 ग्राम का 30-40 रुपये होता है जी, 1000 रुपये का करीबन होता है। और ये समझ समझ गया होंगे आप ने क्या मेरा मतलब क्या है जी। ओके जी, और आगे चलता रहूँ मैं। जी, बिल्कुल, ये पूरा सूखा मछली का मतलब ये मेला लगा हुआ है। लोग ये लोकल मछलियां हैं, ये इसको तामुल बोलते हैं, बेटलनाथ इंग्लिश में, ये गुड़ है जी। आगे चलो मैं आपको लेकर के, चलिए चलिए चलिए, चलते रहिए जी, आगे चलो। ये दाली है, लोकल दाली, जो काली पीली, इसी एक बंदा जो अपना ये लोहे का जी, ये बंदा, ये अभी हम कहाँ गया, ये बासन बर्तन जो है जी, ये चप्पल वगैरह है जी। उसके बाद हमको मिलेगा कौन सा मार्केट, मतलब सिस्टमेटिक लगाया हुआ है, एक एक मार्केट एक एक तरफ है, यहाँ कैमरा घुमाओ वहाँ कैमरा घुमाओ, यार बहुत ढेर सारी। ये बासन बर्तन का मतलब ये जो है असबाब का जो है मार्केट लगा हुआ है जी, लोहे का, स्टील का, एल्यूमिनियम का, कांच का जी। देखिए ये जो लोकल, जो यहाँ लोकल पीपल है, जो स्थानीय निवासी है, उनको ध्यान में रख करके उन लोग को जैसा चाहिए वैसा बना के रखा गया है। और ये चप्पल का जूरी एक्चुअली दूसरी दुकान में हम जाएंगे 150 रुपये में मिल रही है, इसमें सिर्फ 50-60 रुपये में जी, हाँ 50-60 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएंगे, और भी अच्छी क्वालिटी के साथ जी। ये मार्केट जो है सब वही चप्पल जूते जी। अभी हम आ गया स्कूल बैग्स वगैरह जो है उसका मार्केट में जी, इसका ये जो महिलाओं का काम आने वाले ये ढेर सारे अपनी ये गहनाएं, ओके, ज्वेलरी जी, ये इस तरह जी, उसमें ढेर सारे ये चूड़ियाँ, कानफूली वगैरह का है। और जाते जाते ये बक्सा वगैरह का है, यहाँ सब क्या नहीं मिलता भाई साहब, देखिए हर तरफ बक्सा बने, जो मतलब बक्सा बिकता है, एवरीथिंग मिलता है यहाँ, इसलिए लोग काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही छटकाने से, ऐसा बोलते हैं ना, डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह है जी। ये बुक्स वगैरह है कि ये जो बुक्स का वगैरह आपको मैं कह दूँ, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, कलेज तक और धार्मिक ग्रंथ जो है वहाँ तक मिल जाएंगे आपको, वो भी काफ़ी सस्ते में। अगर दुकान में आपको 200, मान लीजिए 200 रुपये मिलता है, या 70-80 रुपये में मिलेंगे आपको जी। जी जी बिल्कुल। ओके,
ऑल राइट, अभी आपको ले चलो, ये मार्केट जो है, एक कपड़ा बुनने वाला ये नहीं है जैसे सूता वगैरह है धागा वगैरह है, वो है ये मार्केट है जी। इसका ये आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होते हैं। यार मुझे तो काफ़ी यार बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के, देखिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ यार, कहाँ घूमूँ क्या देखूँ क्या नहीं, तो ढेर सारे अधिक मछली में बगली जो बगली बर्ड होता है ना, उसका जो काना होते का एक जो मुहावरा है ना, उस तरह की हालत मेरा हो गया है जी। ये गामोछा बोलते हैं इसको, लोकल गामोछा, जिसे कश्मीर में शॉल होता है ना, ये काफ़ी फेमस है यहाँ, बड़ों को देते हैं उपहार में त्यौहार में। और ये जाल का जो मछली पकड़ने के लिए काम आते हैं ना, उसका है जी। मैंने भी कभी कभी मछली पकड़ा है तो यहाँ से लेके जाता हूँ जी, इसको खिराली जाल बोलते हैं। ओके ऑल राइट जी, एक तरह तरह की जाल है छोटी मछलियों के लिए, बड़े बड़ी मछलियों के अलग अलग सा है ये। ओके जी, काफ़ी काफ़ी मज़ा आता होगा ना मछली पकड़ते हुए, नहीं? ओके ऑल राइट, ये बंदा कुछ खा रहा है बेचारा, काफ़ी हंग्री है पता नहीं उसको कैसा लगा होगा, मैं उसको शूट कर रहा हूँ और वो खा रहा है मुझे घूर के देखा है आँख बड़े बड़े करके। ओके ओके, कोई बात नहीं, सॉरी भाई साहब, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। ओके जी, ये घड़ी, वाह घड़ी, अगर मैं दाम पूछूँ, मैं पहला पूछ लिया था, लेकिन उसका 50-60 रुपये का जो वॉल क्लॉक वगैरह है जी। कहाँ चल लेके चलूँ यार, ढेर सारे कहाँ घूमूँ मैं, ये नया नया जगह में घूम रहा, देखिए एक ही जगह में घूम थोड़ी रहा हूँ मैं। ओके आगे चलिए, क्या क्या नहीं बेच रहे भाई साहब लोग जी, ये अंडा बॉइल करके भी रखा है। ओके ये मसाला स्पाइस वगैरह है, और ये फटा हुआ नोट, पता नहीं 1 रुपये का अगर नोट देंगे फटा हुआ आपको कितना मिलेंगे ये। ओके ये भिन्न भिन्न प्रकार के अपने ये मिठाइयाँ हैं, गर्मी का दिन है तो गर्मी लगा है। ओके ऑल राइट, ये क्या बेच रहा, चाना, और ये ढेर सारे घड़ियाँ जी। ये भाई साहब कर खजुली का दवाई ले लो भाई, इस तरह का है ओके नो प्रॉब्लम, आगे चलिए। ये हार्डवेयर का दुकान है शायद, जहाँ शायद नहीं है। ओके ये कपड़ा वपड़ा, ये जींस का पैन वगैरह है, 200-250 या 150 रुपये में मिलेंगे आपको, लेकिन शोरूम में जाएंगे तो उसका बात ही अलग है। ओके ये खाना पीने का, वाह मुझे तो यार मुंह में पानी आ रहा है यार, देखिए। ओके ये भाई साहब, ये मुल्ला जी जो है, देखिए। ओके ये क्या बेच रहा है, ये अंगूठी वगैरह बेच रहा है। ओके ऑल राइट, हाँ स्कूल बैग वगैरह का है। ओके ये भाई साहब इसमें खाना पका रहा है, अच्छा तो है लेकिन हाइजीनिक नहीं है थोड़ा बहुत, और यहाँ आपको हाइजीनिक ढूंढेंगे आप, क्या बात करते हैं आप। ओके यस या यम्मी, अगर अगला मार्केट जो है आपको यार स्तंभित कर देंगे आप, आश्चर्य होंगे आप, सरप्राइज मार्केट है। मुझे ये घुगनी देख के मुझे खाने को दिल कर रहा था, ये दारू बेच रही है, क्या बात है। ओके ये जो महिलाएं हैं, लोकल महिलाएं, घर में बनाया हुआ दारू बेच रहे हैं, मदिरा, क्या बात है, वाइन वाइन वाइन, चावल का बनाया हुआ, काफ़ी नशा होता है जी। हालांकि ये उसका, ये देखिए ये पोर्क का मार्केट है, पोर्क सोर का मांस का मार्केट है जी, करीबन $2 के आसपास, जैसे 150-200 जैसे देख देख करके, यहाँ हर तरह के मीट मिलेंगे आपको, ये अपना लोकल पोर्क या ऑस्ट्रेलियन पोर्क, रेड मीट, वाइट मीट, जो भी आपको जैसे मर्जी है वैसा, अपना ये कम चर्बी वाले, ज़्यादा चर्बी वाले जी। और उसमें ये जो अंदर दिख रहा है कपड़े का, उस बाजू उसमें आप पकाने के लिए, पका के देने वाला ऐसा फैसिलिटी भी है, आप बैठिए और पकाने के लिए दिए, जैसे आधा किलो हुआ, पाव किलो हुआ, 1 किलो हुआ, पका के देंगे जी। और लोग देखिए काफ़ी मज़ा ले रहा है इसका, जो पर्दे का, इस मैं तो जाऊंगा नहीं वहाँ, क्योंकि लोग यार ना जाने उसको खाते हुए देखेंगे, मैं शूट करूँगा उसको कैसा लगेगा पता नहीं जी। ये स्वर का मतन है जी, क्योंकि वहाँ लोग क्या करते हैं ना, इसका इसको लेते हैं आधा किलो 1 किलो, बढ़िया तरह से एकदम पूरा कुकिंग करके उसके साथ, यार मदिरा का लाभ उठाते हैं लोग, यार क्या बात है। ओके ऑल राइट नो प्रॉब्लम, अब
अभी देखिए मार्केट ख़त्म होने को आ गया, मैं और काफ़ी जगह घूमना था लेकिन इतना घूम नहीं पाया, ये कि मैं और था मतलब ये जो काऊ का मार्केट है वहाँ नहीं लेके गया मैं आपको, जो बफेलो काउस ओके ऑक्सन वगैरह का मार्केट है वहाँ थोड़ा अलग सा अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं इसका, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा भाई साहब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।